नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। तीन छात्र आईएएस बनने का ख्वाब लेकर केरल, बिहार और उत्तर प्रदेश से देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने सोचा कि देश की राजधानी में सबसे बेस्ट सिस्टम होगा, जहां पर हम अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरे कर सकेंगे। लेकिन उन तीन होनहारों को दिल्ली के लापरवाह सिस्टम ने डुबोकर मार दिया। तीन होनहार छात्रों की मैन मेड बाढ़ ने जान ली। आपने कहावत सुनी होगी, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस। अहमद की पगड़ी महमूद के सर, यही काम देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त हो रहा है। सियासतदान ब्लेम गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जिम्मेदारी से भागते हुए एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं। संसद में भी कोचिंग सेंटर को लेकर मुद्दा छाया हुआ है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोचिंग संचालकों और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत हुई होगी। घटना की जड़ में घोर लापरवाही और बेलगाम भ्रष्टाचार है। सारे देश में शोर सियासत संग्राम है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कैसे देश को होनहारों की मौत के बाद सब दल इस पर सियासी रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की लापरवाही, यहां तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। लापरवाही तो हुई है, किसी ना किसी को तो उसमें उत्तर देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? सरकार बुलडोजर चलाएगी या नहीं चलाएगी? आज इसी पर करने वाले हैं चर्चा, इस ब्लेम गेम पर, किस तरीके से सियासतदान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सबसे पहला सवाल जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज दहाड़ की चर्चा, वो ये कि कोचिंग की मंडी में मौत के कितने सौदागर हैं। सिस्टम की गंदगी से कोचिंग सेंटर बना डेथ सेंटर, होनहारों की मौत पर ब्लेम गेम की सियासत आखिर कब तक? परिवारों का गम, बुलडोजर एक्शन से लगेगा मरहम। दिल्ली की सड़कों पर हिलोरे मारती मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है?